राहुल गांधी का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। इस वीडियो को बीजेपी वाले खूब शेयर कर रहे हैं और कांग्रेस पर महिला अपमान का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी वाले दो वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो में पीएम मोदी हैं, जिसमें वो महिलाओं के साथ हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में राहुल गांधी हैं, जो महिलाओं को वहां से जाने को कह रहे हैं। अब आपको बता दें कि उस महिला के बारे में जिसको राहुल गांधी ने यहां से जाने को बोला, राहुल गांधी ने जिस महिला को यहां से हटाया और जिस महिला का ये वीडियो वायरल हुआ, वो शुजालपुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रचना जैन है। बताया जा रहा है कि रचना जैन अपना बायोडाटा लेकर राहुल गांधी के पास पहुंची थी, जिसे राहुल गांधी ने लेने से मना कर दिया और उन्हें वहां से जाने को बोल दिया। राहुल गांधी ने सिर्फ रचना जैन नहीं बल्कि दूसरे कई कार्यकर्ताओं को मन से जाने को बोला। फिलहाल इस मामले पर जब एमपी तक ने रचना जैन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। आपको बता दें कि रचना जैन पहले भी काफी चर्चा में रह चुकी हैं। पिछले दिनों ओकोंदिया में कमलनाथ की सभा में रचना जैन बोल नहीं पाई थी, जिसके बाद उन्होंने काफी हंगामा किया था। रचना जैन शुजालपुर विधानसभा सीट के लिए टिकट मांग रही हैं, जबकि शुजालपुर से रामवीर सिंह सिकरवार भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। शुजालपुर से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बीजेपी से इंदर सिंह परमार फिलहाल विधायक हैं। शाजापुर से मनोज पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।